यूपी सरकार ने आदेश दिया कि कावड़ रूट में पड़ने वाले होटल्स और ढाबों को अपने मालिकों के नाम का बोर्ड लगाना होगा। ऐसे में यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर नाम लिखने की मांग की गई। इसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। सावन के महीने में दिल्ली NCR समेत अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। पूरे सावन हरिद्वार में कांवड़ मेला लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ रूट में पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों को अपने मालिकों के नाम का बोर्ड लगाना होगा। ऐसा ही आदेश उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी दिया है। अब बीजेपी के शासन वाले एक और राज्य में दुकान के बोर्ड पर मालिक के नाम लिखने को अनिवार्य बनाने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने का आग्रह किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ सावन के महीनों के लिए दुकानों, होटलों और ढाबों पर उनके मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बेहद ही आक्रामक बयान दिया है, सुनिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सूबे में भी यूपी की तर्ज पर आदेश जारी करने की मांग की है। बीजेपी विधायक मेंदोला ने हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने का आग्रह किया है। बीजेपी विधायक ने पत्र में लिखा कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है, व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है। मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसलिए राज्य शासन को हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी, साथ ही सभी दुकानदार अपना नाम और गुडविल बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे। इससे व्यापार जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास और तेज होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानों पर नाम लिखना होगा, दुकानदारों को बताना होगा नाम, दुकान के ऊपर लिखना होगा नाम पता, जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई, कांवड़ियों की शुचिता के लिए फैसला। ऐसे में यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया। हरिद्वार के SSP ने अपने साथ आधार कार्ड और पहचान पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले इस तरह के निर्देश दिए गए थे, जिसमें पूरे रूट पर दुकानदारों को उनका नाम लिखने को कहा गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहले माना जा रहा था कि इस फैसले को वापस लिया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार को CM योगी आदित्यनाथ ने इसे और विस्तार दे दिया और पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर पहचान लिखने के आदेश दे दिए। इसी बीच कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या यही है विकसित भारत का रास्ता? उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर JDU प्रवक्ता KC त्यागी ने भी कहा कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी कि जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, NDA के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। सावन के महीने में दिल्ली NCR समेत विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। पूरे सावन हरिद्वार में कांवड़ मेला लगता है। ऐसे में पूरी तैयारी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो।
शनिवार को हरिद्वार के हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।